दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं देखने वाला हूँ कुछ फैन मेड इवोल्यूशंस। यार फैन मेड इवोल्यूशंस बहुत ही कमाल के होते हैं, तो आज मैं पहले देखने वाला हूँ टोगेपी इवॉल्व होकर के टोगेटिक बनता है, राइट? दिस इज टोगेटिक ना, एंड फिर बनता है टोगेकिस। मैं सही बोल रहा हूँ ना यार? एंड टोगेकिस के बाद तो कोई भी इवोल्यूशन है नहीं, राइट? बट आज हमें फैन मेड एक इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर टोगेकिस का कोई इवोल्यूशन होता तो क्या होता है? तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, देखते हैं चलो। ओके, तो टोगेकिस बनकर के क्या बनेगा? ओह माय गॉड गाइस, ये तो काफी कमाल का है यार। टोगेकिस इवॉल्व होकर के जो उसका फोर्थ इवोल्यूशन होने वाला है वो एक फेरी ड्रैगन होने वाला है, एंड काफी यार बढ़िया लग रहा है। ही इज लुकिंग लाइक ए यार मिथिकल पोकेमॉन, राइट? अब देखते हैं इसके बाद कौन आएगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, मजा आने वाला है। फैन मेड इवोल्यूशंस मतलब फैन मेड जो पोकेमॉन आर्टिस्ट होते हैं ना, फैन मेड जो चीज़ें बनाते हैं ना यार, बहुत ही कमाल का बनाते हैं यार। मैंने यार कुछ दिन पहले देखा था यार फैन मेड यार मेगा इवोल्यूशंस क्या बनाए थे यार, ओरिजिनल से भी बहुत बढ़िया बनाए थे। आई विल शो यू दैट वीडियो, ठीक है? कभी मैं आप लोग को वो वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है? ऑल राइट, चलो देखते हैं। अरे ड्रैगनाइट ही इतना स्ट्रॉन्ग है, ड्रैगनाइट का अरे यार एक मिनट यार, ये ड्रैगन फेरी बना दिया, बट यार फिर से वही यार मतलब ड्रैगन ईयर के रूप में क्यों लेकर के आएंगे यार? ड्रैगनाइट को ही अच्छा बना सकते थे, राइट? तो मुझे ये फोर्थ इवोल्यूशन मेरे हिसाब से इतना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। आप लोगों का क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? बट मुझे ये फोर्थ इवोल्यूशन मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। अब देखते हैं। ओके, इसका देखते हैं स्लो किंग के बाद कौन सा आता है। स्लो किंग के बाद हैं वाटर फेरी, मतलब ठीक ही लग रहा है, बट और भी अच्छा बना सकते थे। ओ नो, आई एम गेटिंग इट नाउ। देखो यार, स्लोपोक स्लो ब्रो बनता है, स्लोपोक स्लो किंग भी बनता है, स्लोपोक अप ये भी बनेगा। आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, मे बी स्लो क्वीन हो सकता है, मे बी स्लो क्वीन हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी इसके बाद। ओके, ये तो काफी कमाल का पोकेमॉन है यार, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अरे बाप रे, इसका यार इवोल्यूशन देख रहे हो, बट इसका नाम क्या था यार? पोकेमॉन स्वॉर्ड जब मैंने खेलता ना तब ये निकला था, इसका नाम क्या था यार? बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है दोस्तों। बट एंड इसका थर्ड इवोल्यूशन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, रोजरेड इवॉल्व होकर के क्या बनेगा? ओके गुड, पर इसको और भी अच्छा बना सकते थे, है कि नहीं दोस्तों? इसको और भी अच्छा बना सकते थे यार, मतलब कुछ और ड्रैगन टाइप जैसा बना सकते थे इसको। एनीवेज, ओके, गोलेम इज माय पर्सनल फेवरेट यार रॉक टाइप पोकेमॉन, यार काफी बढ़िया लगता है यार। इंडिगो प्लेटू से ये पोकेमॉन मेरे को अच्छा लगता है। नाइस, नॉट बैड, रॉक फाइटिंग बना दिया, अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा लगा। एंड एक चीज कर सकते थे इसके डिजाइन पे, ये डिजाइन ना मेरे को थोड़ा सा राइपेरियर के डिजाइन जैसा लग रहा है। अगर आप लोगों ने राइडॉन का विकसित फॉर्म नहीं देखा है तो ये देखो, राइपेरियर का कलर जैसा ही लग रहा है। बट इसको ना फोर्थ इवोल्यूशन में ग्रेवलर का मुंह लेकर के आ गए, इसको ना थोड़ा सा गोलेम जैसा ही बना देते। गोलेम को अगर फाइटिंग टाइप ऐसा बना देते, रॉक फाइटिंग टाइप थोड़ा सा और बड़ा बना देते, तब ये और अच्छा लगता है यार। बट एनीवेज, ही इज लुकिंग गुड यार। अब देखते हैं। ओके, मच्छाम का क्या होगा, प्लीज अच्छा इवोल्यूशन बनाओ यार। Not bad. This is epic यार। But इसका भी चार हाथ होना चाहिए था, एंड जैसे कि देख पा रहे हो वहां पर एक मेगा इवोल्यूशन बेल भी है। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। अगर चार हाथ होते ना तो ये तो सुपर पावरफुल पोकेमॉन बन जाता यार। ओके, नॉट बैड, नॉर्मल फाइटिंग, ओके नॉट बैड। अब देखते हैं बनेरी का सेकेंड इवोल्यूशन फॉर्म का नाम क्या था, मैं भूल गया यार। ओके, सलाजर, इसका नाम सेलेमेंडर सलाजर, ओके पॉइजन फायर, इसका नाम क्या था यार? ये तो सेलेमेंडर है ना, सेलेमेंडर एंड सेलेजर था ना ये सेकेंड इवोल्यूशन फॉर्म, एंड ये फैन मेड इवोल्यूशन, अच्छा ही लग रहा है दोस्तों। पॉइजन फायर, ओके ओके ओके, वेस्पी क्वीन इज माई फेवरेट यार, मुझे बग फ्लाइंग में वेस्पी क्वीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक दिस इज वेस्पी किंग, ठीक है? यहाँ पर थर्ड इवोल्यूशन नहीं दिया गया है, यहाँ पे अल्टरनेटिव चॉइसेस दिया गया है। या तो आप लोग वेस्पी क्वीन बना सकते हो कॉम्बी को, या फिर आप लोग वेस्पी किंग बना सकते हो। वेस्पी किंग इज ऑल्सो लुकिंग गुड है, नॉट बैड, गुड। ओके, ये तो लैंटर्न एंड देन लुमिनोस था ना इसका नाम, अब देखते हैं। गुड, थोड़ा सा पिढ़ाना टाइप बना दिया, बट और भी अच्छा बना सकते थे, और भी अच्छा बना सकते थे। ओके, इनको प्लीज अच्छा बनाओ यार, इनका तो मेगा इवोल्यूशन भी है। ओ, मिस मैग्योर है ना ये, आई थिंक ये कोई सार होगा, ये आई थिंक मेल टाइप होगा, ठीक है? ये मेल होगा क्योंकि ये तो फीमेल है। ओके, गोस्ट डार्क,
नॉट बैड। ये हॉन्टर एंड ये गॉर्ब, एक मिनट, ये हॉन्टर एंड गॉर्बिस, नहीं मैं भूल बोल रहा हूँ, ये क्लैम्पर्ड है, ये हॉर्नटेल है एंड ये गॉर्बिस है। ओके, इनका इवोल्यूशन, फोर्थ इवोल्यूशन भी बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, सीजर का तो यार थर्ड इवोल्यूशन होना चाहिए था यार, मेरे हिसाब से सीजर, ओ दिस इज गुड, दिस इज एपिक यार, बहुत ही कमाल का एंड स्ट्रॉन्ग वाला होगा यार। यार साइथर एंड सीजर ही अगर इतना पावरफुल है तो उन लोगों का थर्ड इवोल्यूशन फॉर्म कितना पावरफुल होगा। ओके, ऑक्टेलरी के, ऑक्टेलरी का थर्ड इवोल्यूशन फॉर्म, अरे यार बहुत ही गंदा बना दिया यार, बहुत ही गंदा बना दिया दोस्तों। थर्ड इवोल्यूशन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। या फिर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ये दिखा रहा है रेमोरेट जाकर के ऑक्टेलरी बनता है, राइट, देन आई थिंक रेमोरेट का ऑल्टरनेटिव चॉइस होगा ये जो भी होगा। बट यार ऑक्टेलरी का थर्ड इवोल्यूशन फॉर्म होना चाहिए था यार, एक बहुत ही खतरनाक लुकिंग एक ऑक्टोपस जैसे पोकेमन को बना सकते थे। ओके, लिकी लिकी का यार थर्ड इवोल्यूशन फॉर्म गुड बट नॉट बेस्ट, ठीक है, गुड बट नॉट बेस्ट। ओके ओके, इसका तो होना चाहिए था भाई, नॉक्ट्रल का तो होना ही चाहिए यार, दिस इज गुड यार, मुझे अच्छा लगा यार ये, मतलब अभी ऐसे पोजिशन में है, बैठने के टाइम पर कैसा लगेगा आई नीड टू सी दैट, बट स्टिल ठीक ही लग रहा है मेरे को। ओके ओके, ये भी अच्छा ही लग रहा है, मतलब इन लोगों के हिसाब से देयर थर्ड इवोल्यूशन इज नॉट बैड, ठीक है, इसका देखते हैं। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया लगा मेरे को। ओके ओके ओके, एनीवेज गाइस, एम्फोरस का एक मेगा इवोल्यूशन फॉर्म भी है, अब इसका थर्ड इवोल्यूशन कैसा हो सकता है चलो देखते हैं। ओह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ये स्ट्रांग होगा भाई, थर्ड इवोल्यूशन फॉर्म स्ट्रांग होगा यार, आई मीन फोर्थ इवोल्यूशन, ये स्ट्रांग होगा यार, फाइटिंग है, इलेक्ट्रिक फाइटिंग। ओके ओके, रोटम का एक बोनस फॉर्म भी है, दिखाओ रोटम का बोनस फॉर्म हमें दिखाओ। ओके, नॉट बैड नॉट बैड, एक यूएफओ जैसा रोटम बना दिया, ठीक है यहाँ पर। ओके तो चलो गाइस, आज के एपिसोड में बस यही तक ही था, आप लोगों को बस बोलना है कि सबसे बढ़िया आज कौन सा फैन मेड इवोल्यूशन आप लोगों को लगा, इसका यार थर्ड फोर्थ पार्ट भी है मैं लेकर के आऊंगा, डेफिनेटली इसके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बरकरार रखो, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो तो थैंक यू सो मच। कल शायद से एक गेम प्ले वीडियो भी लेकर के आऊंगा, ठीक है, एक फनी गेम मेरे माइंड में है, वो गेम खेलूंगा शायद से, एंड परसों फिर से एक रिएक्शन वीडियो आएगा। चलो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी संडे।